33% जो सीधी भर्ती बंदरगाह की जो लाई गई थी उसके उसमें ये बैठक रखी गई है और उसका विरोध किया था हमने पीछे, तो इसी मुद्दे में है। बाकी जो हमारे चीफ HRD हैं उन्होंने हम कल मुलाकात का टाइम दे रखा है हमको, तो उसी परिप्रेक्ष्य में जो है आज हम जो है आपस में वार्ता करेंगे आपस में। लंबे समय से पत्र में मुख्य जो प्रमुख मांगे हैं 21 मांगे हैं, वो 21 की 21 मांगे हमने जो है PCCF से चर्चा भी की है उनमें, और उसमें अधिकतर मांगे ऐसी हैं कि जिसमें वित्तीय भार जो है गवर्नमेंट पे नहीं है। उसके बाद भी जो है हमारे उस 21 सूत्री मांग पत्र पे अभी 3 महीने का समय होने को है, तो उसके बाद भी अभी उसमें कोई संज्ञान लिया नहीं गया है। और हमने सबसे पहले निवेदन किया था PCCF ऑफ से कि आप इसमें जो है मांगों के निस्तारण के लिए शासन के निर्देशानुसार एक कमेटी का गठन करें और उस कमेटी हमारी मांगों को सुने और जो जायज़ मांगे हैं उनको माने और जो जायज़ नहीं आपको लगती हैं उसका जो है आप उसको खारिज करें। तो मगर इसमें जो है कमेटी नहीं गठित की जा रही है, हमारी मांगों को सुना नहीं जा रहा है, हमारी मांगों को जो है विभागीय स्तर पर ही दबा दिया जा रहा है। तो इसलिए जो है हम शासन से अपील करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारा अनुरोध है कि वो उत्तराखंड में इस कर्मचारी जो इस तरह एक कर्मचारी और सरकार के बीच टकराव की जो बात आ रही है उस टकराव को ख़त्म होना चाहिए। हम कर्मचारी हैं, हम इस प्रदेश को आगे ले जाने की बात करते हैं और हम तन मन धन से इस प्रदेश को आगे बढ़ाने की बात के लिए तत्पर हैं और हमेशा प्रयत्नशील हैं।